हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नीरी सिरप, सिस्टोन सिरप और एल्कासोल सिरप के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कब कौन सी सिरप का यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ जानेंगे यहाँ पर इसकी डोज के बारे में, मतलब कि एडल्ट डोज क्या होती है और इसमें चिल्ड्रन में कितनी डोज का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर किडनी स्टोन का साइज ये 6 mm या 6 mm से कम होता है तब इन मेडिसिंस का, मतलब कि इन सिरप्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 mm की पथरी इन सिरप से डिसोल्व करके बाहर निकाल दी जाती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सिरप्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं नीरी सिरप के बारे में। तो नीरी सिरप का यूज़ किडनी स्टोन को बनने से रोकने या किडनी स्टोन को तोड़ने या किडनी स्टोन को पेशाब के रास्ते बाहर करने में ये सिरप हेल्प करती है। और इसका नेक्स्ट यूज़ होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में UTI के नाम से जानते हैं। अगर देखिए पेशाब की ट्रैक्ट, मतलब कि पेशाब की नली में अगर किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर इस सिरप का यूज़ किया जाता है। इसका नेक्स्ट यूज़ होता है किडनी इन्फेक्शन। अगर देखिए किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर नीरी सिरप का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीरी सिरप की डोज के बारे में। तो यहाँ पर इसकी जो एडल्ट डोज होती है वो 2-2 चम्मच सुबह शाम पेशेंट को ये दी जाती है। और इसके अलावा बच्चों में, लगभग 11 से 12 साल की एज के बच्चों में इसकी 1-1 टेबल स्पून जो है 2 टाइम सुबह शाम पेशेंट को दे दी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिस्टोन सिरप के बारे में। तो सिस्टोन सिरप का भी यूज़ किडनी स्टोन को बनने से रोकने में या किडनी स्टोन को तोड़ने में या किडनी स्टोन को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने में इसका यूज़ किया जाता है। और जिस तरीके से नीरी का यूज़ UTI के केस में होता था, यहाँ पर भी देखिए सिस्टोन के केस में भी UTI में इसको यूज़ किया जाता है। तो UTI के केस में भी नीरी का यूज़ कर सकते हैं और सिस्टोन दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो एडल्ट के केस में ये 2-2 चम्मच सुबह शाम पेशेंट को दी जाती है, जबकि देखिए बात करें अगर चिल्ड्रेन में, मतलब कि लगभग 11-12 साल के बच्चे की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर 1-1 चम्मच पेशेंट को ये सुबह शाम दे दी जाती है। और इस सिरप का यूज़ खाना खाने के बाद करना चाहिए, मतलब कि आफ्टर मील। नेक्स्ट सिरप आती है सिरप एल्कासोल, इसमें होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। अब बात कर लेते हैं एल्कासोल सिरप के यूज़ के बारे में। तो एल्कासोल का कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? तो इसका पहला यूज़ होता है गाउट के केस में। गाउट मतलब होता है गठिया। तो गाउट के केस में जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर यूरिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है, तो एल्कासोल सिरप जो होता है वो यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को रोकता है, मतलब कि यूरिक एसिड के बनने को ये रोकता है। और इसका नेक्स्ट यूज़ होता है किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को ये रोकता है, मतलब कि किडनी स्टोन के बनने को ये रोकता है। और इसका नेक्स्ट यूज़, अगर देखिए पेशाब करने में पेशेंट को किसी तरह की डिफ़िकल्टी होती है, मतलब कि तकलीफ़ होती है, या पेनफुल यूरिनेशन होता है, मतलब कि दिक्कत से उसको पेशाब होता है, तो यहाँ पर भी एल्कासोल सिरप का यूज़ किया जाता है। और वैसे ही देखिए इसका नेक्स्ट यूज़ होता है UTI के केस में, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो देखिए सिस्टोन हो या नीरी सिरप हो या एल्कासोल सिरप हो, इन तीनों सिरप का यूज़ यहाँ पर UTI के केस में किया जाता है। और एल्कासोल सिरप का नेक्स्ट यूज़ होता है ये यूरिनरी एल्कलाइजर की तरह काम करता है, मतलब कि अगर देखिए पेशाब की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है तो यहाँ पर डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट, मतलब कि एल्कासोल सिरप जो है इसको न्यूट्रलाइज करके एल्कलाइनाइजर की तरह ट्रीट करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसको देखिए 12 साल के बच्चे को ये 1-1 चम्मच सुबह शाम पेशेंट को ये दी जाती है, जबकि देखिए एडल्ट के केस में ये 1 चम्मच या 2 चम्मच सुबह शाम पेशेंट को दी जाती है। ओके, थैंक यू।